गुड मॉर्निंग गाइस, फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड योर फैमिली टू फाइन. सो विल कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. इफ यू रिमेंबर इन माय लास्ट लेक्चर ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क डन डेरिवेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट टू, एंड आई हैव डन द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दैट, 2.303 log V2 by V1 and P1 by P2. And I have given you work done of W equal to P delta V, cases also. Now today concept we are going to deal with enthalpy, very important. Okay? So just see, you must have heard about the term, but exactly we are going to study in the thermodynamics, what does it mean? Okay? So we are going to deal with the term enthalpy. Okay? Symbol is H. Okay? Now what does enthalpy mean? See, enthalpy is the sum of internal energy. एक शॉर्ट में मैं आपके लिए लिख देता हूं, इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एनर्जी ड्यू टू प्रेशर वॉल्यूम टाइप, विच इज नथिंग बट ब्रैकेट में मैं वर्क डन लिखता हूं, वर्क डन. ठीक है, देखो एंथैल्पी क्या होता है, मैं मीनिंग देकर समझाता हूं. इट इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, एक सिंपल लैंग्वेज में. अब वर्क डन मतलब एनर्जी एसोसिएटेड है, एनर्जी ड्यू टू प्रेशर वॉल्यूम टाइप. देखो क्यों मैं प्रेशर वॉल्यूम बोल रहा हूं, बिकॉज यू नो फिजिक्स में देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी इज देयर. काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है, बहुत सारे टाइप की एनर्जी है. बट हम केमिस्ट्री में ये एनर्जी नहीं पढ़ते, हम पढ़ते गैसेस के ऊपर, क्योंकि देखो हमने सिलेंडर का एग्जाम्पल दिया था. अब गैसेस के ऊपर पढ़ोगे तो गैसेस एक्सपांड या कॉम्प्रेस होगा, तो उसके हिसाब से जो वर्क डन होगा दैट एनर्जी विल बी ड्यू टू इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. तो हमको केमिस्ट्री में प्रेशर वर्क डन पढ़ना है, दैट द एनर्जी एसोसिएटेड ड्यू टू प्रेशर एंड वॉल्यूम. इसलिए बोला मैंने इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एनर्जी ड्यू टू प्रेशर वॉल्यूम टाइप. जैसे कैसे हो गया फॉर्मूला में, अगर फॉर्मूला में मैं बात करूंगा, सो देयरफॉर एंथैल्पी हो जाएगा एच इज इक्वल टू ई. ठीक है, E के जगह पे हम U भी लिखते हैं, E प्लस PV. ठीक है, और H इज इक्वल टू U प्लस PV. मैंने बोला था ना आपको इंटरनल एनर्जी E और U, मेरे को हैबिट E हो गया लिखने का. ठीक है, सो H इज इक्वल टू, देखो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टाइप. अच्छा, अब इसका मीनिंग क्या है, एंथैल्पी का मीनिंग समझ लो क्या होता है. खाली ये नहीं पड़ेगा कि इंटरनल एनर्जी, देखो अभी मेरे बॉडी में एनर्जी है. ठीक है, अभी हम लेक्चर बैठे, आप भी लेक्चर में सामने बैठे हो, मैं भी लेक्चर में सामने बैठा हूं, इमेजिन. ठीक है, दोनों जन लेक्चर में, आपके बॉडी में भी इंटरनल एनर्जी है, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी. मेरे बॉडी में भी एक इंटरनल एनर्जी है, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी. लेकिन मुझे बताओ, हम दोनों के लेक्चर में आप भी बैठे हो, पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, हम दोनों के बॉडी में इंटरनल एनर्जी है. ठीक है, किसका वर्क डन हो रहा है सोच लो, किसकी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होने वाली है और ज्यादा स्पेंड होने वाली है वर्क डन. मी मतलब मैं इंटरनल एनर्जी के साथ वर्क डन भी कर रहा हूं, मैं एंथैल्पी हुआ, आप एंथैल्पी नहीं हुए. क्यों? क्योंकि आपका वर्क डन जीरो है. ठीक है, ये फैक्टर आपका जीरो है, आपका कोई वर्क डन नहीं हो रहा, आप सिर्फ खाली इंटरनल एनर्जी पे लेकर बैठे हो. समझ में आई मेरी बात? तो जब बॉडी इंटरनल एनर्जी के साथ वर्क डन भी करता है, हम उसको एंथैल्पी बोलते हैं, याद रखना. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर फैन में, फैन अगर बंद है, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, फैन अगर बंद है तो उसमें इंटरनल एनर्जी है, मर नहीं गया वो, उसमें इंटरनल एनर्जी है. हमको उसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा फ्रॉम द करंट. कैपेसिटर में ऑलरेडी एनर्जी होता है, स्टोर होता है. अब उसको मैं एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करूंगा तो वो फैन रोटेट होना चालू करेगा. मतलब इंटरनल एनर्जी प्लस फैन रोटेट हो रहा है, मतलब वर्क डन कर रहा है एंथैल्पी. तो जब फैन बंद है, ओनली इंटरनल एनर्जी, नो वर्क डन, जीरो. फैन वर्क एनर्जी के साथ वर्क डन कर रहा है, एंथैल्पी. मैं लेक्चर ले रहा हूं, एंथैल्पी. ठीक है, गाड़ी में पेट्रोल डाल के ऐसे छोड़ दिया मैंने, मतलब इंटरनल एनर्जी डाल के छोड़ दिया. इंटरनल एनर्जी, गाड़ी स्टार्ट करके रनिंग कर रहा हूं, चला रहा हूं, मतलब वर्क डन भी कर रहा है, एंथैल्पी. समझ में आ रहा है? सब बहुत सारे टाइप्स के एग्जांपल हाइपोथेटिकल में देके समझाने की कोशिश करो. अभी एक सिलेंडर में हमने गैस ले लिया, जैसे मैंने आपको सिलेंडर का एग्जांपल दिया था, सिलेंडर में हमने गैस ले लिया, बस वो वैसी का वैसी पिस्टन है, कुछ मूवमेंट नहीं है, मतलब अंदर क्या खाली, इंटरनल एनर्जी. अब वो पिस्टन एक्सपांड भी हो रहा है, कॉम्प्रेस भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब वर्क डन कर रहा है. क्यों? क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, एंथैल्पी. क्योंकि दैट टाइम वो एक्सपांड भी कर रहा है, कॉम्प्रेस भी कर रहा है. तो सिंपल दिमाग में एक चीज रखो, जब बॉडी इंटरनल एनर्जी के साथ वर्क डन करता है, हम उसको एंथैल्पी बोलते हैं. आपने खाया पिया, आपके बॉडी में इंटरनल एनर्जी और बैठ गए चुपचाप, कुछ नहीं कर रहे, टांग फैला के बैठ गए, पसर के, क्या हो गया? इंटरनल एनर्जी.
नो वर्क डन, जीरो। हाँ, आप चल रहे हो, वर्क डन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, दैट इज एंथैल्पी। ठीक है, ठीक है गाइस, तो इसको बोलते हैं हम एंथैल्पी बोलते हैं, जब बॉडी इंटरनल एनर्जी के साथ वर्क डन करता है। सो व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देयरफॉर डेल्टा एच विल बी इक्वल टू एच टू माइनस एच वन, और आई कैन ऑल्सो राइट डेल्टा एच इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर। ठीक है, ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लेते हैं उसका एंथैल्पी, और फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं H2 माइनस H1। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे बॉडी में अभी लेक्चर जो स्टार्ट किया, तो मेरे बॉडी में लेट्स से कुछ एक एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी के साथ वर्क डन करो, दैट इज एंथैल्पी है, दैट इज H1। अब लेक्चर खत्म होने के बाद एक घंटे के बाद अगर मैं डेल्टा H2 निकालता हूं, फाइनल एंथैल्पी निकालता हूं, तो कितना एनर्जी मेरा कंज्यूम हुआ, कितना वर्क डन हुआ, वो कैसे मालूम पड़ेगा, दैट विल बी विद द कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच, फाइनल माइनस इनिशियल करके करूंगा, तो H2 माइनस H1 करके करूंगा, राइट। सो ये आपका डेल्टा एच आएगा H2 माइनस H1। ठीक है, अब आएंगे हम लोग इसके छोटे से एक डेरिवेशन पार्ट पे आएंगे, एंथैल्पी का क्लियर हो गया ना, अब हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे। मान लो अभी रिलेशन चाहिए मुझे डेल्टा एच का, सो दो डेरिवेशन है एंथैल्पी का, पहला मैं डेरिवेशन आपको मैं दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेशन, डेरिवेशन वन, ठीक है, फॉर एंथैल्पी, फॉर डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी बोलूंगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो मान लो H1 लेता हूं, H1 विल बी इक्वल टू, अच्छा एक चीज और याद रखना, मैंने एक चीज आपको बोलना भूल गया, एंथैल्पी के लिए कंडीशन है, एंथैल्पी विल ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये कंडीशन के बिना एंथैल्पी नहीं चलेगा। देखो जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर लेक्चर ले रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे बॉडी का टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, सिस्टम का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, एडियाबेटिक हो जाएगा, राइट, सॉरी हीट चेंजेस हो जाएगा, बट आइसोथर्मल प्रोसेस में रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा मेरे बॉडी का। देखो अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते अगर थक जाऊंगा थोड़ा सा आधे घंटे के बाद, तो मेरे बॉडी का हीट का चेंजेस चालू हो जाएगा, लेकिन मेरा टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टेंट एंड मेरा प्रेशर ऑल्सो विल रिमेन कॉन्स्टेंट। अभी गैसेस में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और वॉल्यूम को चेंजेस में पढ़ते हैं। तो याद रखना एंथैल्पी विल ऑलवेज टेक्स प्लेस एट, यहां पर मैं लिख देता हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, और ये कंडीशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर का, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे ही होगा, चेंज इन प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, एंड टेम्परेचर तो हम लोग आइसोथर्मली पकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस को हम लोग हीट के चेंजेस में लेते हैं, तो हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट पकड़ेंगे, ये चीज ध्यान में रखना। चलो अभी डेरिवेशन में कैसे करो, देखो लेट्स से द इनिशियल एंथैल्पी, अभी मैंने लेक्चर चालू किया तो मेरे बॉडी में H1 है, इनिशियल एंथैल्पी है मेरे बॉडी में, ठीक है H1 है इनिशियल एंथैल्पी, तो वो क्या रहेगा मेरे बॉडी में, H1 रहेगा मेरा E1 प्लस P1V1। ठीक है, प्रेशर P1 था मेरे बॉडी का, वॉल्यूम V1 था, और इंटरनल एनर्जी E1, E1 मतलब U1 आप पकड़ के चलना। ठीक है, बार बार मैं बोलूं, अच्छा मेरे बॉडी का फाइनल एनर्जी जब लेक्चर पूरा खत्म हो गया तो मेरे बॉडी में फाइनल एंथैल्पी आया, दैट विल बी नथिंग बट E2 प्लस P2V2। आई नो कॉन्स्टेंट प्रेशर है, थोड़ा डेरिवेशन में सिंप्लीफाई करके लिखना चाहता हूं, तो प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो गया, विद इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि बॉडी वर्क डन में परफॉर्मेंस करके चेंजेस हो जाएगा, सो दैट इज E2 प्लस P2V2। अब फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1। चलो इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसको हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 प्लस P2V2 माइनस E1 प्लस P1V1। ठीक है, E1 प्लस P1V1, चलो कॉमन टर्म्स लेते हैं, कॉमन टर्म्स लेंगे तो E2 माइनस E1 प्लस ब्रैकेट P2V2 माइनस P1V1। ठीक है ना, कॉमन ले लिया। अब आपको तो मालूम है कि एंथैल्पी टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होता है, सिंस मैं लिख देता हूं कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, तो P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा, लेट्स से इक्वल टू P। ये मैं पहले भी ले सकता था, पर सिंप्लीफाई करके जैसा टेक्स लैंग्वेज होता है डेरिवेशन का वैसे लिखना था, तो P1 को मैंने कॉन्स्टेंट कर दिया, P2 को P ले लिया, देयरफॉर डेल्टा एच क्या हो जाएगा, कम ऑन, डेल्टा एच हो जाएगा E2 माइनस E1 प्लस, इधर P लूंगा तो P कॉमन हो जाएगा, V2 माइनस V1 बराबर P कॉमन हो जाएगा, तो चलो फिर क्या आएगा, देयरफॉर डेल्टा एच आ जाएगा डेल्टा ई, देखो चेंज इन एंथैल्पी प्लस
पी बाहर और ये हो जाएगा डेल्टा वी, वी टू माइनस वी वन। ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया आपका। और अब अगर आप देखोगे तो देखो डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच आपका है चेंज, चेंज इन एंथैल्पी, दिख रहा है ना, चेंज इन एंथैल्पी है। डेल्टा ई क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पी क्या है, कांस्टेंट है। डेल्टा वी क्या है आपका, चेंज इन वॉल्यूम। और आपको तो मालूम है कि ये जो पूरा फैक्टर है, ये पूरा फैक्टर इज नथिंग बट योर वर्क डन, वर्क डन है डब्ल्यू। तो देखो मैंने कैसा ले रहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर आते हैं। देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है, डेल्टा एच इक्वल टू कम ऑन डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। और आप देखोगे, देखो अभी एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या था, एच था, एंथैल्पी का फॉर्मूला था एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी था। देखो एच क्या चेंज होके बन गया, डेल्टा एच, ई क्या चेंज होके बन गया, डेल्टा ई, वी क्या चेंज होके बन गया, डेल्टा वी, लेकिन पी की नहीं चेंज हुआ, कॉन्स्टेंट प्रेशर। बार बार बोल रहा हूं मैं ये पॉइंट याद रखना है आपको, कॉन्स्टेंट प्रेशर, सारे एंथैल्पी कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होते हैं, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे ये जा रहा है आपका पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप इट इज वेरी क्लियर, डेल्टा एच का डेरिवेशन क्लियर हुआ। ये पहला एक डेरिवेशन में दे रहा हूं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, वर्क डन। सो देखो ये हो गया, एंथैल्पी इज नथिंग बट सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क, वर्क ड्यू टू अराइजेस ड्यू टू प्रेशर वॉल्यूम टाइप। और अगर हम प्रेशर को कॉन्स्टेंट रख रहे तो ऑब्वियसली चेंज इन वॉल्यूम होगा, क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन को कॉन्स्टेंट प्रेशर बोला, दोनों कॉन्स्टेंट नहीं रख सकते वरना फिर वर्क डन ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, मेक ए नोट ऑफ दिस प्लीज, इसको पूरा नोट डाउन करो, फिर मैं दूसरा डेरिवेशन जाऊंगा। चलो ये पहला आपका डेरिवेशन था, मैंने दे दिया, अब मैं दूसरा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट देने वाला हूं, तो डिराइव बताता हूं। पहले आप ये देखिए, ठीक है ना, क्लियर है ना, कुछ नहीं किया मैंने, H1 लिया, H2 लिया, सब्स्टिट्यूट किया, मैथमेटिक्स अप्लाई किया और कांस्टेंट प्रेशर पे P डाल के सीधा निकाल लिया मैंने, चेक करो। अच्छा, और एक चीज याद रखना, देखो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये जो डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी है, इस डेल्टा एच को हम लोग ये भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्यू पी बोलते हैं, ठीक है, डेल्टा एच को हम लोग क्यू पी भी बोलते हैं, मतलब हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, हीट एट कॉन्स्टेंट, अच्छा नहीं दिख रहा, सॉरी वन मिनट, ये जो टेक्स्ट बुक में आपके हैं एनसीईआरटी में भी, डेल्टा एच को हम लोग क्यूपी भी बोलते हैं, क्यूपी मतलब हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ऐसा क्यूवी भी होगा। मैं बहुत सारे अभी जेई मेंस नीट के बहुत सारे फॉर्मुलेस अभी एंड में लिख के दूंगा एक साथ, पहले कॉन्सेप्ट समझ के फिर एंड में फटाफट दूंगा। सो क्यूपी हो जाएगा डेल्टा एच, ये सिंबल भी याद रखना, तो क्यूपी लिखो या डेल्टा एच लिखो एक ही बात है, क्यू स्टैंड फॉर हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। चलो अभी हमको क्या डिराइव करने का, हमको डिराइव करने का है रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई फॉर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई फॉर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मान लो जैसे मतलब ए ए प्लस बी बी रिवर्सिबल बन रहा है आपका सी सी प्लस डी डी, ऐसे बात करो तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ये भी याद रखना, जो ए और बी है, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो ए और बी है ये आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रहेगा एनआर, और ये जो रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट रहेगा एनपी, एनपी एनआर याद रखना, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स
नंबर ऑफ मोल्स एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये याद रखने का, ए और बी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी की बात कर रहा हूँ. सो वी स्टार्ट द डेरिवेशन फ्रॉम हियर फॉर्मूले सेम, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी. ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा ई प्लस पी ब्रैकेट में वी टू माइनस वी वन, ये हो जाएगा डेल्टा ई प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन. ठीक है ना, ये तो वही है रिवर्स वाला मैंने किया. अच्छा, नाउ यू नो वेरी वेल, लेट्स से फॉर आइडियल गैस, दिस इज ऑल आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस यू नो वेरी वेल कि पी वी वन विल बी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी बराबर है ना. चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो पी वी वन क्या होगा एन वन आर टी एंड पी वी टू क्या होगा एन टू आर टी. क्यों? देखो प्रेशर तो कांस्टेंट है, आर तो वैसे भी कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है ड्यू टू आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल के हिसाब से टी कांस्टेंट है, तो पी वी वन हो जाएगा एन वन आर टी, पी वी टू हो जाएगा एन टू आर टी. ठीक है ना, फॉर इनिशियल के लिए और फाइनल के लिए, मतलब ये एन टू पकड़ लो और ये एन वन पकड़ लो. अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट यहां पर करता हूं तो देयरफॉर डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच जगह डेल्टा ई प्लस पी वी टू के जगह पे मैं लूंगा एन टू आर टी और इधर ले लूंगा एन वन आर टी. ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा ई प्लस, अब इसमें क्या हो जाएगा आपका आर टी कॉमन ले लेता हूं, ये हो जाएगा एन टू माइनस एन वन. तो देयरफॉर फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस, ये हो जाएगा डेल्टा एन, डेल्टा एन आर टी. देखो वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टा एन आर टी, वेर वॉट इज डेल्टा एन, डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फॉर गैशियस रिएक्शन के लिए, एनपी माइनस एन आर. अब इसके भी मैं आपको दो तीन इंपॉर्टेंट वैराइटीज ऑफ सम्स दूंगा मैं आपको, कि डेल्टा एन और डेल्टा एनपी और एनआर का क्या रिलेशन में अकॉर्डिंगली रहेगा वर्क डन. ठीक है, तो देखो ये फॉर्मुला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैक्सिमम नीट में जेई मेन्स में सीईटी में अगर बात करेगा और थ्योरी में आते ही है क्वेश्चन. तो डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटेंसिटी और डेल्टा एनआरटी इज नथिंग बट वर्क डन. अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो पी डेल्टा वी जो है वही आपका डेल्टा एनआरटी बन गया है, जो मैंने पहले भी आपको इनिशियल एक केस में दिया था. बट डेल्टा एन इज एनपी माइनस एनआर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, आर टी कॉन्स्टेंट ही पकड़ के चलना है आपको हमेशा. ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, पूरा डेरिवेशन भर गया है, फिर मैं वर्क डन का देता हूं. चलो फिर मैं आपको वर्क डन का भी प्रूव करके दूंगा. आपको पता है ना वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव और ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, अब वो भी हम इसी के बेसिस पे प्रूव कर लेंगे, W का हम लोग प्रूव कर लेंगे इसको सेम सेम आस्पेक्ट का. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसके बाद कम से कम 14 टाइप्स के एंथैल्पी करूंगा. नोट डाउन करो, इसका पिक चाहिए तो मैं आपको बाद में साथ में सेंड कर दूंगा. ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो प्लीज. क्लियर, एंथैल्पी का स्टार्ट करते करते मैंने डेरिवेशन देकर डेफिनेशन देकर पूरा दोनों डेरिवेशन किया, एक डेरिवेशन डेल्टा एच का, एक रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई. चलो अभी इसी के बेसिस में हम लोग इसका एक और एक पॉइंट एक्सप्लेन करते खत्म करते इसको, वर्क डन इन ए केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं वर्क डन, जो मैं प्रूव करने जा रहा हूं. ठीक है, वर्क डन का मैं बात कर रहा हूं इन ए केमिकल रिएक्शन में. ना डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, कमॉन हमने पढ़ा था, माइनस पी डेल्टा वी, याद है ना, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, तो माइनस पी वी टू माइनस वी वन हमने पढ़ा था. चलो आगे इसको बढ़ते जाओ, माइनस पी वी टू माइनस पी वी वन हमने पढ़ा था, याद है ना. तो ये क्या हो गया था आपका, माइनस पी वी टू की जगह पर एन टू आर टी और ये हो जाएगा माइनस एन वन आर टी बराबर माइनस, इसको इसको हम लोग बाहर रखते हैं ऐसा. ठीक है, माइनस ये बाहर रखते हैं, ये सम का डब्ल्यू का है. सो ये क्या हो जाएगा आपका, आर टी कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा एन टू माइनस एन वन. सो देयरफॉर डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ये हो गया आपका डेल्टा एन, डेल्टा एन आर टी बराबर. देखो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा एन आर टी हो गया. अब डब्ल्यू का फॉर्मूला मैंने हमेशा आपको बोला है कि माइनस में ही रखना है, बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम हम अभी प्रूव करते. देखो
अभी केमिकल रिएक्शन में कैसा हो जाएगा, फर्स्ट केस, केस वन, मैं तीन केसेस आपको बना के देता हूं। केस वन में अगर मैं बात करूं तो सपोज एन टू इज ग्रेटर देन एन वन, समझो अभी नंबर ऑफ मोल्स एक्सपांड हो गया, तो एन वन से एन टू बड़ा है, अगर नंबर ऑफ मोल्स फाइनल प्रोडक्ट का बड़ा रहेगा, एन टू बड़ा रहेगा, सो देयरफॉर डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू विल बिकम माइनस, अभी ये डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन आपका है एन टू माइनस एन वन आर टी है, अब ये बड़ा रहेगा तो बड़ा माइनस छोटा, मान लो फाइव माइनस टू इज थ्री, तो आंसर नेगेटिव में आएगा ना, देयरफॉर डब्ल्यू विल बी वर्क डन विल बी नेगेटिव, और वर्क डन इज नेगेटिव मतलब देयरफॉर वर्क इज डन, वर्क डन बाय द सिस्टम, याद आया, बाय द सिस्टम, हमने यही तो पढ़ा था, तो कभी भी याद रखो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका एन टू एन वन से बड़ा है तो फटाक से आप देख के बोल सकते हो कि वर्क डन नेगेटिव आएगा, वर्क डन इज बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम किया तभी तो वो एक्सपांड हुआ, ये भी आपके मेंस में नीट में शॉर्टकट के लिए, क्या बोला मैंने रिपीट करूं, अगर आपका एन टू एन वन से बड़ा है केस वन में, एन टू एन वन से बड़ा है तो वर्क डन विल बी नेगेटिव, ठीक है, बाय द सिस्टम। चलो क्लियर हुआ मैंने क्या बोला, आई रिपीट, अगर नंबर ऑफ मोल्स पे ही लेना है बिकॉज केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स में होता है, तो अगर आपका एन टू एन वन से बड़ा रहेगा, ठीक है, तो सीधा बोलने का वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। दूसरा केस ले लो, चलो दूसरा केस बताओ मेरे को, अभी थोड़ा खुद ही बता सकते हो, केस टू सामने बैठे हो तो माइंड में पढ़ते समय मेरे को बताओ, अगर मान लो एन वन इज ग्रेटर देन एन टू, सो देयरफॉर ये जो डब्ल्यू का फॉर्मूला है माइनस क्या है, एन टू माइनस एन वन आर टी है, अब देयरफॉर डब्ल्यू विल बिकम, देखो अगर ये एन वन बड़ा रहेगा, टू माइनस फाइव इज माइनस थ्री, तो माइनस माइनस प्लस होता, मतलब वर्क डन पॉजिटिव आएगा, देयरफॉर वर्क इज डन, वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, ठीक है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब अगर एन वन एन टू से बड़ा रहेगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। दो के समझ में आया, अगर आपका एन टू एन पी बड़ा रहेगा, मतलब एन टू बड़ा रहेगा तो वर्क डन नेगेटिव, एन वन बड़ा रहेगा तो वर्क डन पॉजिटिव, क्योंकि कॉम्प्रेस हुआ रहेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। और एक तीसरा केस ले लो, केस थ्री, केस थ्री में क्या हो जाएगा, मान लो एन वन इज इक्वल टू एन टू है, ठीक है, अगर एन वन इक्वल टू एन टू है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जीरो हो जाएगा, अगर डेल्टा एन जीरो हो जाएगा तो देयरफॉर डब्ल्यू विल बी इक्वल टू जीरो, वर्क डन इज जीरो, ठीक है, एन वन इंटू एन टू, नंबर ऑफ मोल्स अगर इक्वल रहेगा तो ना गैस एक्सपांड हुआ रहेगा ना कॉम्प्रेस हुआ रहेगा, मतलब पिस्टन वही का वही रहेगा और वर्क डन जीरो रहेगा उसका। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एन टू बड़ा नेगेटिव, एन वन बड़ा पॉजिटिव, इक्वल टू डेल्टा एन जीरो, डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, वर्क डन जीरो, सीधा शॉर्टकट याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जगह नोट डाउन कर लो। क्लियर हुआ? सो गाइस विल कंटिन्यू विद द एंथैल्पी पार्ट नाउ, आई गिव यू द, आई गिवन यू व्हेन द दिस वन द डेल्टा एन वैल्यू, आई गिवन यू व्हेन टू ग्रेटर देन एन वन ग्रेटर देन एन वन इक्वल टू जीरो, सेम ट्रैक पे आई गिव यू वन थिंग, कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस व्हेन डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा ई, ठीक है, और डेल्टा यू, व्हाट एवर, सो जब डेल्टा एच और डेल्टा ई कब इक्वल हो सकता है, देखो फॉर्मूला आपका क्या है, फॉर्मूला आपका है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हम क्या लेंगे, फर्स्ट कंडीशन हम लेंगे डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, मतलब वॉल्यूम विल रिमेन कॉन्स्टेंट, इफ वॉल्यूम विल रिमेन कॉन्स्टेंट वर्क डन विल बी जीरो, ठीक है, वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा, सो देयरफॉर इन दैट केस में ये वैल्यू पूरा डीरो, बिकॉज वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा तो आपको मालूम है कि ये इसकी जगह पर हम क्या लेते हैं, इसकी जगह पर हम पी डेल्टा वी भी लेते हैं, ठीक है, पी डेल्टा वी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ना गैस एक्सपांड हुआ है ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन द सेम, नंबर ऑफ मोल्स जीरो हो जाएगा तो आपका ये वैल्यू जीरो रहेगा या तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो इन दैट केस डेल्टा एच, देयरफॉर डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा ई हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन हम क्या लेंगे, वेरी सिंपल में, सेकेंड कंडीशन में हम लेंगे इसके अंदर व्हेन डेल्टा एन विल बी इक्वल टू जीरो, सेम वही जो हमने लिया था, ठीक है, आगे द डेल्टा एन विल बी जीरो, तो अगेन देयरफॉर डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा ई हो जाएगा, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके दिया था। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट इज, थर्ड वन आई कैन टेक इट एज, सी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, देखो व्हेन सॉलिड एंड लिक्विड विल बी देयर,
then delta V will be taken as a zero. Because see, this is applicable only for gases के लिए. ये सिर्फ gases के लिए applicable है. क्योंकि जब हम गैस को एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो गैसेस एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट होकर कंप्रेस होकर वॉल्यूम में चेंजेस होगा. तो आपको दैट टाइम सॉलिड और लिक्विड के लिए जीरो लेना है, याद रखना डेल्टा वी. तो इन दैट केस में सॉलिड एंड लिक्विड के लिए डेल्टा विल बी जीरो, देयरफॉर अगेन डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा ई. तो देखो तीन कंडीशन आपके इधर रेडी हो जाते हैं, देयरफॉर डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा ई हो जाएगा. ठीक है, ये आपका कंडीशन हो जाएगा. एक हो जाएगा डेल्टा वी विल बी इक्वल टू जीरो, एक डेल्टा एन इक्वल टू जीरो, एंड सॉलिड एंड लिक्विड के लिए आपको लेना है डेल्टा वी विल बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस? सो तीन कंडीशन आप याद रखना, व्हेन डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा ई, डायरेक्ट आप मेंस में अप्लाई कर सकते हैं. सीधा आप देख लेना वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, तो वर्कडन कॉन्स्टेंट हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट है तो सीधा वर्कडन जीरो हो जाएगा, और सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं लेना है. देखो मैं आपको भी एक सम भी अभी करके दूंगा. देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, देखो चलो अभी एक एग्जाम्पल लेके मैं भी और एक एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको. सपोज आई टेक एन टू प्लस थ्री एच टू बन रहा है अमोनिया, टू एन एच थ्री. ठीक है, गैस गैस गैस. ठीक है, आपको सिर्फ खाली इतना देखो मीन्स एंड दिस वन इन नीट में आपको सिर्फ रिलेशन निकालना होता, पूरा सब्स्टिट्यूट तो हमको नहीं करना होता. तो देयरफॉर डेल्टा एच एंड डेल्टा ई का रिलेशन क्या रहेगा, डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनआरटी होता है, बराबर है ना. अब हम क्या करेंगे, इसका पहले डेल्टा एन निकालेंगे. डेल्टा एन क्या होता है, एनपी माइनस एनआर, बराबर. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है, टू. टू माइनस थ्री प्लस वन फोर, तो कितना हो गया ये माइनस टू आ गया आपको. ठीक है ना, ये माइनस टू आ गया, तो देयरफॉर ये कितना हो गया, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा ई, और ये डेल्टा एन माइनस टू, तो माइनस टू आर टी आएगा. बस इतना लिख के छोड़ देना है. देखो ऐसे सम निकालना है, जब मोल्स का आएगा तो आपको इस तरीके से सम्स निकालना है. ठीक है, और एक एग्जांपल बताता हूं, सेकंड एग्जांपल, ताकि एकदम क्लियर हो जाए. सपोज आई विल राइट एच टू प्लस हाफ ओ टू विल फॉर्म एच टू ओ, गैस गैस, और ये मैं लिक्विड देता हूं. ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ले रहा हूं. सो हाइड्रोजन, सपोज मान लो मैंने ऐसा कंडीशन दिया है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस होता तो वाटर स्टीम होके वेपराइज हो जाता था. तो ये हो गया आपका, तो देखो ये आपका गैस गैस लिक्विड हो गया. अब अगर इसका मुझे डेल्टा एन निकालना है तो इसका डेल्टा एन का फॉर्मूला में एनपी माइनस एनआर है. अब आप देखो कितना निकालेगा, मैं लूंगा सीधा जीरो माइनस प्रोडक्ट का, मैं जीरो लूंगा. क्यों, अभी हमने बोला था दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस. समझ में आ रहा है मेरी बात, सॉलिड और लिक्विड का मोल्स नहीं लेने का. डेल्टा एन के लिए कभी भी सॉलिड और लिक्विड का मोल्स नहीं लेने का थर्मो में. तो देखो ये हो गया जीरो, में पकड़ूंगा इसका मैं, ठीक है जीरो, और इसका मैं पकड़ूंगा वन प्लस हाफ, बराबर ये वन है या हाफ है, थ्री बाई टू, सो दैट विल बिकम माइनस थ्री बाई टू. ठीक है, तो इसका डेरफोर डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच हो जाएगा डेल्टा ई माइनस थ्री बाई टू आर टी. ये जस्ट मैंने एक सम दे दिया आपको समझने के लिए. कल की ये समझो कि आप सॉलिड और लिक्विड का मोल्स कभी भी नहीं लोगे अगर मेंशन किया रहेगा तो, वॉट एवर इट इज. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपको मैं एक और एक देता हूं सम, आप खुद निकालो इसको. मैं इधर लिखता हूं, मैं नीचे देखो, थर्ड वन सी प्लस ओ टू विल बिकम टू सी प्लस ओ टू विल बिकम ट्वाइस सी ओ. ठीक है, अब इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप मेरे लिए खाली डेल्टा एन निकाल लो. चलो आप मेरे को निकाल के बताओ, दो मिनट लगेगा. इसकी डेल्टा निकल 2C प्लस O2. अब मुझे पता है, देखो भले एग्जाम में मेंशन किया हो ना किया हो, यू नो वेरी वेल दिस इज सॉलिड, दिस इज गैस. ये हो जाएगा 2 माइनस, ये हो जाएगा O2 का 1. कार्बन का कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि कार्बन सॉलिड है. तो 2 माइनस 1 आप लोगे इसको प्लस 1. देखो अगर मैंने गलती से ये पकड़ा होता तो 2 माइनस 3 हो जाता था, दैट इज माइनस 1 आता, विच वर रॉन्ग. तो देखो 1 आ गया ना, प्लस 1 आ गया, तो इसका डेल्टा एन देखो प्लस वन है. फिर वो डेल्टा एच तो हम निकाल लेंगे, डेल्टा एच तो बहुत इजी है, वो तो आराम से निकलता है फॉर्मुला वाइज. सो देखो यही मेंस में, नीट में, सीईटी में इसी तरीके से आपका क्वेश्चन आता है, तो आपको सीधा डेल्टा एन ही पकड़ के चलना है. इसी तरह चेक कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट. ये बुक्स में नहीं है आपके, एनसीईआरटी में भी नहीं है, मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं आपको. मैं फिर मैं टाइप्स में जाऊंगा एनथैल्पी के.
ठीक है। चल अभी एक न्यूमेरिकल बेस के बेसिस में मैं आपको सामने सामने कर दूंगा तो फटाफट क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल्स का। देखिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट दी वर्क डन व्हेन टू मोल्स ऑफ HCl आर यूज्ड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कैलकुलेट दी वर्क डन व्हेन टू मोल्स ऑफ HCl आर यूज्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एट 423 केल्विन बाय द इक्वेशन 4HCl प्लस O2 बनेगा 2H2O प्लस टू Cl2 4 Cl O2 या ठीक है। कैलकुलेट वर्क डन बोला, बस इतना डेटा हुआ दिया। एंड ऑल्सो स्टेट वेदर द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, ऑल्सो स्टेट ऑन और बाय द सिस्टम, वर्क डन बोला निकालने को, ठीक है। सोल्यूशन ओके, क्या बोला है, कैलकुलेट दी वर्क डन बोला है व्हेन टू मोल्स ऑफ HCl का। चलो विल स्टार्ट नाउ, आपको वर्क डन बोला है एट 423। अभी देखो 4HCl रिएक्ट कर रहा है O2 से टू फॉर्म 2HCO प्लस 2Cl2। अच्छा क्वेश्चन में आपको बोला है यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन फॉर 2 मोल्स ऑफ HCl बोला है, तो सबसे पहला क्या करना पड़ेगा हमको, इसको 2 मोल्स करना पड़ेगा। सो देयरफॉर एक्चुअल इक्वेशन बन जाएगा 2HCl प्लस ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा क्योंकि हम सबको हाफ कर रहे हैं, तो अगर हाफ करेंगे तो दिस विल बिकम 1/2 O2, दिस विल बिकम H2O और ये बन जाएगा Cl2। सब गैस में, ठीक है, गैस 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 गैस, क्योंकि टेम्परेचर देखो 423 है तो ये भी स्टीम में जाएगा। अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेल्टा एन निकाल लेंगे क्योंकि डेल्टा एन आपका आ जाएगा NP-NR, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 + 1 = 2, 2 - 2 + 1/2, 2 + 1/2 = 2.5 लेता हूं मैं, ठीक है 0.5 इसको पकड़कर, तो 2 - 0.5 दिस विल बिकम -0.5, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपका -0.5 आ गया, हाफ आ गया, ठीक है। अच्छा देयरफॉर अभी वर्क डन का फॉर्मूला निकालेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा हम लोग यूज करेंगे -n∆nRT, ठीक है, -p∆ भी है ना, तो अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला यूज करोगे -∆nRT यूज करोगे, हमेशा माइनस ही रखना है। अब देखो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, -∆n कितना है आपका -0.5 है इंटू R8.314 और टेम्परेचर आपका 423, इसको जूल्स में लेते तो आंसर भी आपका जूल्स में आएगा, तो चलो ये आंसर आपका पॉजिटिव में आंसर आएगा और आप आंसर जूल्स में निकालोगे, निकालो मेरे लिए, चलो 0.5 इंटू 8.314 इंटू 423 करो, कितना आ रहा है देखो, इसका आंसर अगर आप कैलसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 1758 प्लस में 1758 जूल्स आएगा, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर ANS आ गया। अच्छा वर्क पॉजिटिव आ रहा है राइट, देयरफॉर W पॉजिटिव आ रहा है, तो देयरफॉर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, वो तो नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। देखो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, वन क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन टू ऐसे सिलेक्टेड एक या दो क्वेश्चन कर देता ताकि एकदम क्लियर हो जाते, देखो डेल्टा एन सीधा मैंने अप्लाई किया और सीधा मैंने आंसर निकाल के ले लिया आपका, चलो देख लो क्लियर कर लो, फिर एक समझाता हूं डेल्टा एच पी में। चलो अभी एक क्वेश्चन में भी ये करूंगा आपका, दूसरा एक डेल्टा एच पे, एन आइडियल गैस एक्सपांड्स फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, एन आइडियल गैस एक्सपांड्स फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 6 dm³ टू 16 dm³ एट 2.026 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाइंड डेल्टा एच इफ डेल्टा यू इज 418 जूल्स।
डेल्टा यू मतलब डेल्टा ई, ठीक है। फोर वन एट जूल्स, चलो अभी इसको सम को करने के दो तरीके हैं। पहले हम लोग डेटा वेटा लिख लेंगे पूरा इसके अंदर, ठीक है, सॉल्यूशन, और इसमें सब डेटा वगैरह लिख लेंगे हम लोग, डेटा क्या दिया है वो देख लेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है तो गाइस डेटा क्या बोलता है, देखो वॉल्यूम हम लोग लेते हैं, गैस एक्सपांड बोल रहा है, तो वॉल्यूम फ्रॉम वी वन है आपका 6 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी डेसीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, तो 6 × 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। डेसीमीटर को हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, और V2 आपका हो जाएगा वॉल्यूम, V2 विल बी 16 डेसीमीटर क्यूब है, तो दैट विल बिकम 16 × 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। बाकी तो प्रेशर भी मीटर में दिया, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर, सो देयरफॉर वर्क का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू इक्वल टू, डब्ल्यू का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, एक्सपांड से ना तो माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। तो माइनस पी प्रेशर कितना है आप देख लो, ठीक है, पहला वर्क निकाल लेंगे हम लोग, फिर इसको हम लोग डेल्टा एच में ऐड करेंगे, तो वर्क कितना है आप देख लो, इसका प्रेशर है 2.026 × 10⁵ डेल्टा वी, डेल्टा वी इज वी टू माइनस वी वन, तो वी टू कितना है 16 × 10⁻³ माइनस 6 × 10⁻³, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा वैल्यू, देखो ये होगा 16 - 6, ये हो जाएगा माइनस में 2.026 × देखो 16 - 6 = 10, तो 10 हो गया, 10 एक बज गया, तो 10 × 10⁵, 10⁶ हो गया, 10⁶ और 10⁻³ कितना हो गया, 10�³, देखो वर्क डन का फॉर्मूला माइनस में अभी 10�³ आ गया, ओ सॉरी ठीक है, ये फॉर्मूला आपका आ गया, डब्ल्यू का आ गया 2.026 × 10�³, ठीक है, 10�³ आ गया, और मतलब ये हो जाएगा कितना, 20 ये हो जाएगा आपका माइनस 2026 जूल्स में आंसर, देखो ये डब्ल्यू आ गया, ठीक है। अच्छा ये दो तरीके से मैंने बोला था फॉर्मूला करने के लिए रेडी है, देखो अभी एक डब्ल्यू आ गया ना, तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एक मिनट थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर देता हूं, देखो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कैसे, देखो यू नो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ दो फॉर्मूला, देखो फर्स्ट लॉ में डेल्टा एच इज इक्वल टू, या एक मिनट, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और आपको मालूम है कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है, ये मतलब क्यूपी होता है, तो देयरफॉर डेल्टा QP will be equal to delta E minus W हो जाएगा, ठीक है, और QP आपको मालूम है मतलब डेल्टा एच है, एंथालपी है, वही अपने को निकालना था, और डेल्टा E कितना है, एंथालपी आपको डेल्टा E दिया 418 जूल्स, सो 418 माइनस ऑफ माइनस 2026 418 माइनस ऑफ माइनस 2026, तो कितना हो जाएगा, 418 प्लस 2026 करेंगे तो 2444 जूल्स, 2444 जूल्स, ठीक है। ये देखो आपका फाइनल आंसर डेल्टा एच का आ गया, ANS, एक आंसर मैंने फर्स्ट लॉ पे कर दिया, मैं डेल्टा एच भी बताता हूं कैसे करना है, सिंपल फॉर्मूला डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सपांड्स बोलेंगे तो W का पहले माइनस पी डेल्टा भी निकाल लो, उसके बाद सीधा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करोगे तो भी आंसर आपको आएगा, क्योंकि देखो वहां पर आंसर आपका 244 जूल्स आ गया, ठीक है। और I can give you one more pattern. पहले आप ये नोट डाउन कर लो, जरा देख लो कैसा है, ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको एक और पैटर्न देता हूं, इधर मैं आपके लिए कर देता हूं, देखो चलो इधर देखो, मैं इधर कर रहा हूं, और
डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये अपना नॉर्मल फॉर्मूला होता है, तो आप डायरेक्टली ऐसे अप्लाई कर सकते थे ना। डेल्टा ई कितना है 418 जूल से प्लस ब्रैकेट 2.026 इंटू 10^5 बराबर बड़ा ब्रैकेट, और इसमें ब्रैकेट में वी टू माइनस वी वन, वी टू इज 16 इंटू 10^2 माइनस 3 माइनस 6 इंटू 10^2 माइनस 3। ये देखो अगर आप ये सॉल्व करोगे, ठीक है समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, डेल्टा एच का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, तो 418 है 210.6 है 10^3, तो ये कितना हो जाएगा 418 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.026 इंटू, ये देखो 16 माइनस 6, ये तो वही पैटर्न हुआ ना सेम, 10^6 10^6 और 10^-3 10^3, मतलब कितना हो गया 418 प्लस 2026 सेम आंसर 2444 जूल्स, सेम आंसर है, देखो एग्जैक्टली सेम आंसर है। सो देयरफॉर डेल्टा एच का आंसर देखो दो पैटर्न से आता है, तो एक फॉर्मूला आप डब्ल्यू अगर अप्लाई करोगे तो, अगर आप माइनस पी डेल्टा भी अप्लाई करोगे तो फर्स्ट लॉ अप्लाई करना, ये सब मैंने पहले भी किया था, और डायरेक्ट डेल्टा एच अप्लाई करोगे तो भी आंसर आता है। इसमें यूनिट का मारामारी है, यूनिट में ध्यान में रखना, डेसीमीटर को हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है, ठीक है नोट डाउन करो प्लीज, इंपॉर्टेंट समय, फिर हम आगे बढ़ते। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल चेंजेस, टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज बोल रहा था, अच्छा टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज पढ़ने के लिए आप एक बार ध्यान में रखना कि आप टेक्स्ट बुक से सब एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ोगे, क्योंकि आपके बोर्ड्स में डिफाइन करके आएगा, डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वैसा, एंड न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए और वो सब अपना पूरा कॉन्सेप्ट पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि इसके जेई मेंस नीट में कंबशन वगैरह बहुत आते हैं जो मैंने पढ़ा होगा, तो वो मैं आपको अपने लैंग्वेज में शॉर्टकट में एकदम लिख के दे दूंगा, बाकी आप अपने नोट से आप पूरा पढ़ने वाले हो, एनसीईआरटी और सब टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? ठीक है पहले ये नोट डाउन कर लो प्लीज, सम्स मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, देख लो क्लियर है ना, एक ये पैटर्न और एक ये पैटर्न में कर दिया दोनों सेम, और एनीथिंग यू कैन सॉल्व इट, इसका कंटिन्यूएशन इधर है सम का, ठीक है दिस और दिस मेथड वॉट एवर यू कैन सॉल्व इट, डेल्टा एच अप्लाई किया तो देखो डेल्टा एच में भी मैंने सम कर दिया है, ठीक है मैंने अलग से अगर डब्ल्यू लिया तो फिर मैंने एक्सपांड का माइनस लेके चला, ठीक है क्योंकि गैस एक्सपांड हो रहा था, फिर फर्स्ट लॉ आप अप्लाई कर दो या तो फिर ये करो, फर्स्ट लॉ में देखो क्यूपी आपका डेल्टा एच ही था इसलिए मैंने वो अप्लाई किया। सो गाइज बेस्ड ऑन एंथैल्पी आई हैव डन द सम ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एनआरटी, टू टाइप्स ऑफ सम आई हैव डन, वन मोर टाइप आई वांट टू वाइंड अप विद दिस एंथैल्पी न्यूमेरिकल, ठीक है ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। द फॉर्मूला व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इज डेल्टा एच इज इक्वल टू एचपी माइनस एचआर, ठीक है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल इनिशियल, ठीक है अब क्या हो जाएगा इसके अंदर फाइनल माइनस इनिशियल में, अभी न्यूमेरिकल देखो कैसे करना, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे आएगा, I'll give you the numerical, ठीक है देखो कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन, क्वेश्चन बोल रहा है आपका कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन, और आपका रिएक्शन है Fe2O3 प्लस 3CO विल फॉर्म 2Fe प्लस 3CO2, ठीक है ये दिया है, अच्छा डेल्टा एच ऑफ सबका दिया हुआ है, डेल्टा एच ऑफ Fe2O3 इज माइनस 824.2 किलो जूल्स पर मोल, डेल्टा एच ऑफ CO दिया है माइनस 110.5 किलो जूल्स पर मोल, और डेल्टा एच ऑफ CO2 दिया हुआ है माइनस 393.5 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है अच्छा अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आएगा वो मेरे को एक्सप्लेन करना था, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस सम, ठीक है सो क्वेश्चन इज वेरी क्लियर गाइस, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी, बोला अच्छा स्टैंडर्ड वर्ड मैं आपको बाद में बताऊंगा जब टाइप्स ऑफ एंथैल्पी पढ़ाएगी, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, खाली सिंबल में चेंजेस है,
तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालने का फॉर दिस रिएक्शन और वैल्यूज तीन दिए हुए डेल्टा एच, ठीक है। अच्छा अब इसमें कैसे निकालना है देखो, सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ। अच्छा सॉल्यूशन में हम क्या अप्लाई करेंगे, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू एच पी माइनस एच आर, मतलब ये आपका प्रोडक्ट हो गया और ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो पूरा कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ, देखो देयरफॉर डेल्टा एच विल बी इक्वल टू ब्रैकेट प्रोडक्ट मतलब टू टाइम्स एंथैल्पी ऑफ एफई ऐसे लिखने का प्लस थ्री टाइम्स एंथैल्पी ऑफ सीओ टू बड़ा ब्रैकेट माइनस फिर एंथैल्पी ऑफ एफई टू ओ थ्री और यहां पर आएगा थ्री टाइम्स एंथैल्पी ऑफ सीओ, ठीक है, टू टाइम्स थ्री टाइम्स और ये और ये। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं, टू इंटू ठीक है प्लस थ्री इंटू बड़ा ब्रैकेट माइनस ये वन ही है प्लस थ्री, ठीक है। अब देखो क्या मैं बता रहा हूं, अभी एंथैल्पी ऑफ सीओ टू किधर है, देखो इधर है, तो आई विल राइट माइनस 393.5, ठीक है। एफई टू ओ थ्री किधर है, इधर है, तो आई विल राइट माइनस 824.2, ठीक है। और प्लस थ्री टाइम्स सीओ किधर है, इधर है, माइनस 110.5। अच्छा एंथैल्पी ऑफ एफई क्या है, एफई आयन एलिमेंट एंथैल्पी ऑफ, अगर एफई अगर आपको दिया होता तो हम 100% ले लेते थे या बाय मिस्टेक गलती से ले लेते थे, राइट। देखो सी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, रट्टा मत मारो, अगर एंथैल्पी दिया होता तो हम ले लेते थे, फ्री का माल कोई छोड़ता नहीं है। तो एफई अगर दिया रहेगा एलिमेंट तो मैं फिर भी इसका वैल्यू जीरो लेता था। रिमेंबर वन थिंग आई एम राइटिंग ओवर हियर, एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो, रिमेंबर दिस, एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो, ये पॉइंट कभी भूलना मत, इसलिए मैंने सम किया। क्योंकि देखो एंथैल्पी आपका वर्क डन होता है, वर्क डन जब हम गैसेस में पढ़ते हैं तो गैसेस एक्सपांड और कॉम्प्रेस होता है, सो दैट इज व्हेन द रिएक्शन विल टेक प्लेस। अब एलिमेंट क्या है, एफई तो एफई रहेगा, एलिमेंट एलिमेंट ही रहता है, एलिमेंट कभी ना ब्रेक होता है, राइट, सब पार्टिकल्स में ना उसके कुछ चेंजेस होने वाले, तो एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट विल बी टेकन एज ए जीरो ऑलवेज, रिमेंबर, एंड मॉलिक्यूल्स, एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स इज टेकन एज ए जीरो, एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स इज टेकन एज ऑलवेज एज ए जीरो, रिमेंबर, भूलना नहीं पॉइंट, इसलिए मैंने यहां पर दे दिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ ये आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है, प्लस ये भी इधर बड़ा प्लस है, समझ में आया ना, अभी ये देख लो माइनस है, ये भी माइनस है, यहां पर माइनस है और ये टू इंटू जीरो, तो आपको ये पूरा कैलकुलेशन अभी मैथमेटिकली करके फाइनल आंसर मेरे लिए लाना है। आप वो आंसर लाओगे माइनस या प्लस में, जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर आएगा, किलो जूल्स पर मोल में आंसर आएगा, ठीक है, दैट विल बी योर एएनएस, ठीक है। ऐसे में आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, आप उसको मेरे को सॉल्व करके दोगे, ठीक है, ऐसे में आपको एक क्वेश्चन और एक दे दूंगा मैं आपको, तो उसका आप आंसर खुद निकालोगे सेम वे में, ठीक है ना। पहले आप ये आंसर निकालो जरा, कम ऑन, चलो टेक दिस आंसर, आप ये निकालो आंसर, पहले सब वैल्यूज बराबर है, आंसर शुड कम आउट टू बी, फिर मैं आपको आंसर देता हूं, तब तक आप निकालना चालू करो, फिर एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ C2H6, क्वेश्चन आपका बोलता है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ C2H6 by the following reaction, 2C2H6 plus 7O2, 2C2H6 plus 7O2 will become 4CO2 plus 3H2O, 6H2O, ठीक है, और इसकी एंथैल्पी दी हुई है आपको, स्टैंडर्ड एंथैल्पी इसका दिया है, अच्छा स्टैंडर्ड एंथैल्पी का ऊपर जीरो रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब स्टैंडर्ड है, ये मैं पढ़ाऊंगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो स्टैंडर्ड मतलब ऊपर सिंबल डालना है, स्टैंडर्ड मतलब एलिमेंट्स आर इन द स्टैंडर्ड स्टेट, जैसे लाइक वाटर, अपने कौन से स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब वाटर के तीन स्टेट होते हैं, वाटर का होता है स्टीम, आइस होता है और लिक्विड होता है, पानी होता है, लेकिन वाटर का स्टैंडर्ड स्टेट आपका पानी है, आइस हम बनाते हैं जीरो डिग्री पे, हम उसको 100 डिग्री पे स्टीम बनाते हैं, अदरवाइज आइस अपने वाटर अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होता है, उसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं लिक्विड, ठीक है। तो ये देखो ये क्वेश्चन है, इसके आंसर, ठीक है, इसका आंसर आपने निकाला, इसका आंसर
will come out to be -24.8 kilojoules per mole, इसका आंसर आना चाहिए. ठीक है. अच्छा, इसका डेल्टा एच कितना दिया हुआ है? इसका डेल्टा एच दिया है -3119 kilojoules. और डेल्टा एच ऑफ CO2 दिया है एंड वाटर दिया है. डेल्टा एच ऑफ CO2 दिया है स्टैंडर्ड में और डेल्टा एच ऑफ वाटर दिया है स्टैंडर्ड में. कितना दिया CO2 का? -393.5 किलो जूल्स पर मोल. और ये दिया है -285.8 किलो जूल्स पर मोल दिया है. ठीक है, इसका आपको मुझे सोल्यूशन देना है निकाल के. चलो अभी आप अप्लाई करो फॉर्मूला. डेल्टा एच इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर का अप्लाई करो. देयरफॉर डेल्टा एच विल बी इक्वल टू, चलो अपने आप लिखो. अभी मैंने इतना लिख दिया, इक्वेशन आपको इधर दिया हुआ है, कैसे निकालना हो देखिए. और ये इक्वेशन का डेल्टा एच दिया है, समझ में आ रहा है? इक्वेशन का डेल्टा एच आपको यहां पर दिया हुआ है. आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी C2H6 का निकालना है और CO2 और H2O का वैल्यू दिया है. फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे डेल्टा एच का, एच पी माइनस एच आर. आप लिखो फिर मैं बताता हूं. चलो इसका आंसर आपने निकाल लिया 24.8. ठीक है ना, अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया तो मैं जरा ये निकाल दूं इसको. मैं ये मेरा फिर स्पेस मिल जाएगा मुझे. चलो तो ये मेरे को स्पेस मिल गया. ये आपका 3 × −110.5 था, अगर इनकेस कुछ छूट गया रहेगा तो यहां पर. चलो आप खुद लिखो इसका सोल्यूशन, लिखना चालू करो. आप खुद चालू करो, मैं खाली आपके लिए हेल्प करता. चलो कैसा लिखेगा हम? ये एक टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इधर है तो 4 times डेल्टा एच ऑफ CO2 प्लस 6 times डेल्टा एच ऑफ H2O, डेल्टा एच ऑफ H2O बड़ा ब्रैकेट माइनस ये आएगा 2 times डेल्टा एच ऑफ C2H6 और इधर आएगा 7 times डेल्टा एच ऑफ O2, डेल्टा एच ऑफ O2. ठीक है, अब आप खुद ट्राई करो ना, थोड़ा सा ट्राई करो. चलो गाइस, अब आपको दिख रहा है इस बार डेल्टा एच दिया हुआ है, मतलब वैल्यू ये दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? देखो मैं आपके लिए मैथमेटिकली लिखता हूं, -3119 और ये कितना दिया है 4 times CO2 कितना दिया है -393.5 प्लस 6 times कितना दिया है वाटर का -285.8 बड़ा ब्रैकेट माइनस 2 times इसका निकालना है हमको. तो डेल्टा एच ऑफ C2H6 ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है, स्टैंडर्ड में सब है. और इसका कितना लोगे 7 × 0 मॉलिक्यूल O2 से मॉलिक्यूल, ठीक है, O2 मॉलिक्यूल है तो आपको ऐसे निकालना है. तो ये वाला वैल्यू जो माइनस में वो इधर आ जाएगा, ये वाला उधर चला जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा? देयरफॉर ये अगर इधर ले लूंगा तो ये 2 times डेल्टा एच ऑफ C2H6 होगा इक्वल टू ब्रैकेट ये 4 × this माइनस में आएगा प्लस ये भी माइनस में आएगा और ये वाला उधर ले लूंगा तो दैट विल बिकम +3119 किलो जूल्स, 3119 किलो जूल्स. चलो करो इतना अपने आप, चलो स्टार्ट करो. ये वैल्यू मल्टीप्लाई करो 4 × this करके बताओ, 6 × this करो, वो दोनों वैल्यू इधर डालो, फिर हम इसको ऐड करके मैं आपको बताता हूं. चलो उतना करो, स्टार्ट करो. तो ठीक है गाइस, देखो अभी सॉल्व करेंगे हम इसको. तो ये देखो 4 × 393.5 आपका आता है 1574 आता है माइनस में, 6 × −3285.8 आता है −1714.8 और मैंने इसको ये वैल्यू को इधर ले लिया और 3119 को इधर डाल दिया. तो देखो अभी ये कितना आ जाएगा, अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1574 को 1714.8 से ऐड करना है और कितना आ जाता है, चलो आपके सामने इधर कर देता हूं, 1574 प्लस 1714.8 ये होता है 3288 होता है, ठीक है, 3288.8 माइनस में और इसको प्लस करना है, मतलब आंसर माइनस में आएगा. तो ये इसको अगर मैं −3119 करता हूं तो ये आता है −169.8 आता है. सो देयरफॉर अगर मैं बात करूंगा एंथैल्पी स्टैंडर्ड ऑफ C2H6 निकालना है तो मुझे ये 169.8 को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड बाय 2 करूंगा. तो
तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय टू करता हूं, वन 69.8 डिवाइड बाय टू, तो आपका आंसर आता है माइनस में माइनस 84.9 किलो जूल आता है। देखो परफेक्ट आंसर है माइनस 84.9 किलो जूल पर मोल, ये आपका फाइनल ANS है, ANS, ठीक है ना। तो देख लो दो टाइप के सम्स मैंने कर दिए डेल्टा एच पे, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। हाँ दिख रहा है ना, क्लियर है ना, देख लो, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। सीधा डिवाइड बाय टू किया क्योंकि एंथैल्पी ऑफ C2H6 निकालना, तो माइनस 84.9 एकदम सिंपल मेथड है। आपको सिर्फ खाली इसका प्रॉपर आप देख लो दो मिनट, फिर मैं एक्सप्लेनेशन और देता हूं। वेरी क्लियर। देखो डेल्टा एच के दो सम्स मैंने अभी क्लियर कर दिए, तो यहां पर देखो आपके डेल्टा एच के पूरे पैटर्न यहां पर यहां पर डेल्टा एच का पूरा पैटर्न आपका खत्म होता है, जो मैंने अभी आपको देखो डेल्टा एच को डेल्टा ई पे भी दे दिया और मैंने आपको H2 - H1 फाइनल माइनस इनिशियल पे भी सम करके दे दिया। अब अपने को पढ़ना है टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज, जो मैंने आपको बोला बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज पढ़ने हैं, उसके बाद ही हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट, अभी मैं इंट्रोडक्शन पार्ट आपको दूंगा, मैं वो आप नोट डाउन करना, उसके बाद फिर मैं टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज को एक इंट्रोडक्शन पार्ट में एक चालू करूंगा, एक 15 टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज से एक 5 टाइप ऑफ एंथैल्पीज में आपको क्लियर करके दे दूंगा इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में उसका कंटिन्यूशन पार्ट रखूंगा। तो आई होप सेम पैटर्न आपको अप्लाई करना है, अभी इतनी बार पढ़ाया मैंने, आपको पूरा रिविजन करके रखना है, क्योंकि एक बार एंथैल्पी चालू होगा तो उसके कॉन्सेप्ट बहुत बड़े बड़े आने वाले एंथैल्पी के। एम आई गेटिंग इट क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, नो डाउन कर लो गाइस। सो गाइस विल स्टार्ट विथ एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल चेंजेस। ओके, आई टोल्ड यू दैट 15 टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज आर देयर, सो फर्स्ट विल स्टडी द एंथैल्पी ऑफ फिजिकल चेंजेस। इन दैट द फर्स्ट वन विल बी एंथैल्पी ऑफ फेस ट्रांजिशन। ठीक है, एंथैल्पीज ऑफ फेस ट्रांजिशन विल बी द फर्स्ट पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ फिजिकल चेंजेस। अब इसमें क्या रहेगा, ए पार्ट विल बी, देखो सिंपल एग्जांपल देके एक्सप्लेन करो एंड द रेस्ट यू आर गोइंग टू स्टडी द फ्रॉम योर थ्योरी। ठीक है, देखो इफ आई टेक वाटर सॉलिड मींस आइस एंड आई कन्वर्ट इट टू वाटर लिक्विड। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट कर रहा हूं, सो व्हाट डज इट इंप्लाइज, इट इंप्लाइज दैट वी आर कन्वर्टिंग वन मोल ऑफ एन आइस। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट वेरी क्लियर, 2-3 पॉइंट, दिस इज एंथैल्पी इज एप्लीकेबल फॉर वन मोल राइट, द चेंजेस टेकिंग प्लेस ऑफ वॉटर फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, बिकॉज आई टोल्ड यू एंथैल्पी इज एप्लीकेबल एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो द एंथैल्पी चेंज फॉर वन मोल ऑफ द सब्सटेंस एट कॉन्स्टेंट, आई एम जस्ट एडिंग द कीवर्ड, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ, नाउ सी we are converting water solid to liquid, in physics when we convert water solid to liquid it is called as what, you know very well, melting is the point at which it melts, the process is called as fusion, so that time I will call it as enthalpy of fusion, FUS, theek hai, to delta h of FUS likhte hai, theek hai, what is delta h of FUS, enthalpy of fusion is changes for one mole of a substance, the changes from solid to liquid at constant pressure and temperature is enthalpy of fusion. ठीक है, अब ये बात याद रखना, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आप लेंगे तो वॉटर का स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, ठीक है ना, अगर मैं वॉटर की स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लेता हूं तो दैट टाइम इस वैल्यू इज +6.01 किलो जूल प्लस मोल। ठीक है, इसकी मैं स्टैंडर्ड वैल्यू लिखता हूं, इसका रहेगा +6.01 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, वैल्यू तो दिया होता है आपको, बट मैं इसके स्टैंडर्ड वैल्यू जो रहा आपको मैं दे रहा हूं, राइट, दिस इज एट 0°C। अच्छा प्लस में क्यों, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होगा, देखो अगर आप आइस को मेल्ट करोगे तभी जाके वो वाटर में जाके बनेगा लिक्विड में, तो इतना हीट वो एब्जॉर्ब करेगा 6.01 किलो जूल्स पर मोल एक मोल के लिए,
देखो मैं बार बार क्यों एम्फोसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि एक मोल के लिए सपोज क्वेश्चन आपके देखो एंट्रेंस में भी ऐसे आता है, मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा, एक मोल के लिए 6.01 है, तो 10 मोल्स के लिए कितना रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 10, 20 मोल्स के लिए कितना रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 20। सो ये आपको पर मोल याद रखना है, ठीक है। ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सो वंस अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन, द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्प्लीज द फ्यूजन ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस राइट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा अब इसका हम उल्टा प्रोसेस लेते हैं, बी पार्ट, ठीक है। आई कैन कन्वर्ट वॉटर लिक्विड टू वॉटर सॉलिड, ठीक है, लिक्विड टू सॉलिड मतलब हम पानी को आइस बना रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको फ्रीजिंग, बराबर। फ्रीजिंग इज द पॉइंट एंड प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रीजिंग। So, अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा एच ऑफ एफ आर ई फ्रीजिंग हो गया, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, -6.01 किलो जूल्स पर मोल। क्यों, देखो इसका उल्टा प्रोसेस हो गया ना। सो हीट लिबरेट करेगा जब आप पानी को राइट जब आप पानी को अगर आप सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो पानी के टेम्परेचर को आप कम करोगे, पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री रहेगा, उसको कम करते करते, मेरी बात समझ में आ रही है, पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री रहेगा रूम टेम्परेचर, उसको आप कम करते 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 सॉलिड पे आओगे, जब आप आइस बनाओगे तो उसका टेम्परेचर कम करोगे मतलब हीट निकालोगे तभी उसका टेम्परेचर कम होगा, तो हीट विल बी लिबरेटेड, ठीक है, माइनस एक्सोथर्मिक, आपको पता है। तो ये दो एंथैल्पी हो गया, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग हो गया। देखो एकदम सिंपल दे रहा हूं, डेफिनेशन क्या रहेगा, द एंथैल्पी चेंज दैट अकंपनीज वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस दैट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। वन मोल, बार बार मैं आपको एम्फोसाइज कर रहा हूं ये पॉइंट, ठीक है, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं। चलो अब हम सी पार्ट लेंगे, सी पार्ट आपका क्या रहेगा, अब मैं वॉटर को जो लिक्विड है उसको कन्वर्ट कर रहा हूं वॉटर गैस में, वॉटर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको वेपराइज कर रहे हैं। अच्छा इवापोरेशन नहीं बोलना क्योंकि इवापोरेशन अपने आप होता है, वेपराइजेशन हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके करते हैं प्लीज नेचुरली, और वेपराइजेशन हम देखो पानी 25 डिग्री पे, उसको अगर वेपराइज करना है गैस में तो उसको इवापोरेट करते 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 पूरा स्टीम में बनाया गया 100 डिग्री सेल्सियस में, तो उसको हम बोलेंगे डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन वीएपी, ठीक है, और इसकी वैल्यू रहेगी आपकी वेपराइजेशन की वैल्यू रहेगी, ठीक है, प्लस दो वैल्यू एक्चुअली है, तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू एक ही लिख के देता हूं, प्लस 40.7 किलो जूल्स पर मोल, और एक होता है प्लस 44.0 किलो जूल्स पर मोल, एक होता है 100 डिग्री सेल्सियस और एक होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ठीक है, एक 100 डिग्री सेल्सियस और एक 25 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग इसको बोलेंगे डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब इसका उल्टा करो प्रोसेस का, चलो सी पार्ट इसका उल्टा करो, सी पार्ट वाटर को कन्वर्ट करो गैस से, वाटर को लिक्विड में कन्वर्ट करो, स्टीम को कंडेंस करो, तो हम उसको क्या बोलेंगे डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन CoNd, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, -40.7 हो जाएगा या -44.0 हो जाएगा, वही किलो जूल्स पर मोल, ठीक है, एट 100 डिग्री और एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो चार मैंने अभी तक आपको दे दिए, देख लो चेक करो, अभी तक मैंने आपको चार बना के दे दिए, ठीक है ना, इसका भी डेफिनेशन सेम रहेगा, द एंथैल्पी चेंज दैट एनकम्प्लीस वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस दैट चेंजेस फ्रॉम गैस टू लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मेरी बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देता हूं, अब आपको मैं डी देता हूं, देखो वॉटर सॉलिड जो है, ठीक है, उसको डायरेक्टली मैं कन्वर्ट कर रहा हूं वॉटर गैस में,
ठीक है, सॉलिड टू गैस, ठीक है, सॉलिड टू गैस क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, चलो कम ऑन, वॉट इज सॉलिड टू गैस अगर कन्वर्ट करूंगा डायरेक्टली क्या हो जाएगा बोलो मेरे को, यू नो वेरी वेल एनीथिंग विच चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस डायरेक्टली इज कॉल्ड सब्लिमेशन, तो हम इसको बोलेंगे डेल्टा एच ऑफ SUB, सब्लिमेशन बोलेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है +51.08 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये आता है फिजिक्स में, देखो कोई भी सब्सटेंस जब हम सॉलिड से डायरेक्टली जब उसको हम गैस में चेंज करते हैं तो उसको लिक्विड से पास होना ही होना है, देखो फॉर एग्जाम्पल लाइक कैम्फर, यू नो कपूर, कैम्फर जो होता है राइट, या नेफ्थलीन होता है, जब हम कैम्फर को जलाते हैं तो यू नो कैम्फर सॉलिड से डायरेक्टली वेपराइज होता है, आयोडीन भी, लेकिन आप देखोगे कि जलने के बाद कैम्फर थोड़ा सा लिक्विड के थोड़े से पार्टिकल ड्रॉपलेट दे देते हैं राइट, नेफ्थलीन भी जहां पर रहता है हम रखते हैं वहां पर थोड़े से लिक्विड के ड्रॉपलेट छोड़ देते हैं, तो व्हाट आई मीन टू से मैथमेटिकली, व्हाट आई सेड मैथमेटिकली, देखो जो सॉलिड से लिक्विड होता है, देखो ये सॉलिड से जो लिक्विड हो रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज, व्हाट सॉलिड से लिक्विड कॉल्ड एज, सॉलिड से लिक्विड को हम बोलते हैं फ्यूजन, बराबर अभी तो पढ़ा, और लिक्विड से जो गैस होता है, लिक्विड से जो गैस होता है इतना, लिक्विड से जो गैस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, और सॉलिड से डायरेक्टली जो होता है दैट विल बी कॉल्ड एस, मैं थोड़ा एरो को ऐसे कर देता हूं, अपवर्ड ही एरो रखता हूं, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन, तो कैन आई राइट मैथमेटिकली डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन प्लस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना, इसकी वैल्यू मैं आपको ये भी दे देता हूं, एक वैल्यू होता है इसका -45.07 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो इधर भी एक वैल्यू आ जाएगा +45.07 किलो जूल 7 एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तीन वैल्यू लिक्विड का, लिक्विड टू गैस का तीन वैल्यू, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, देखो अभी मैं आपको प्रूव कर देता हूं, लिक्विड टू वेपराइजेशन की वैल्यू तीन है, 40.07 है किलो जूल पर मोल एट 100 डिग्री, 44 एट 25 डिग्री, और 45.07 है 7 एट 0 डिग्री, तो -45.07 लिखो, अब देखो मैंने क्या बोला मैथमेटिकली डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन इज फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन, फ्यूजन कितना है 6.01 है और वेपराइजेशन कितना है 0 डिग्री पे 45.07 है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 51.08 आएगा, ये देखो सेम वैल्यू आप गिवन टू एट 0 डिग्री सेल्सियस, सो मैथमेटिकली डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन इज नथिंग बट योर फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड टू गैस जाता है, ठीक है, बट लिक्विड से पास होकर जाएगा, बट द प्रोसेस इज सो फास्ट दैट इट टेक्स वेरी रैंडम, इट टेक्स नैनो सेकेंड्स, तो ये मैथमेटिकली आप याद रखो वेरी इंपॉर्टेंट है, सब्लिमेशन इज फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन, मैथमेटिकली हम इसको एक सम भी कर लेंगे एंड में, तो मैंने आपको 5 टाइप के एंथैल्पीज दे दिए, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन उसका उल्टा फ्रीजिंग, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन उसका उल्टा कंडेंसेशन, और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी वाटर का याद रखो, बाकी सारे कंपाउंड्स के आपको एंथैल्पी दिए होते हैं एग्जाम में, बट याद रखो सिर्फ खाली प्लस और माइनस का, एक एंडोथर्मिक रहेगा तो एक एक्सोथर्मिक उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस, देखो यहां पर मैं आपको एंथैल्पीज अभी 5 दिया हूं,
इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इसको रिवाइज करना, आई विल बी गिविंग यू अ लॉट ऑफ एंथैल्पीज और काफी इंपॉर्टेंट एंथैल्पीज के ऊपर सम्स भी आऊंगा। हैश लॉ का एक बहुत बड़ा सम करूंगा, चार से पांच मार्क का क्वेश्चन आता है और बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का, तो आई विल बी गिविंग यू दैट ऑल्सो। तो प्लीज रिवाइज इट एंड कीप, एंड गाइज स्टडी प्रॉपरली, रिवाइज प्रॉपरली, बिकॉज आफ्टर दैट यू वोंट गेट टाइम। स्टार्ट सॉल्विंग एमसीक्यूज, अगर आपके पास कोई बुक है जो भी रिलेटेड में हम पढ़ते जाते थ्योरी, अपने आप सॉल्व करो, फिर देन वी विल टेक द लेक्चर एंड विल सॉल्व। ठीक है, टिल दैट रिवाइज इट। फाइव टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज: फ्यूजन, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन समझा ना, मैथमेटिकली इट इज सम ऑफ फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन। ये वैल्यूज आप बाय आउट करोगे तो भी ठीक है, नहीं भी करोगे तो भी एग्जाम में दिया रहेगा। वाटर का स्टैंडर्ड एग्जाम्पल मैंने ले लिया, आई सेंड यू द पिक ऑल्सो ऑफ दिस। बाय द टाइम रिवाइज इट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, बी सेफ। ओके, बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर।